बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा और सचिन की स्टोरी मुसलसल मैं कवर कर रही हूँ और जैसे जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है आपके सामने लेकर आ रही हूँ। अब तक मैंने आपको सीमा की सामने आने वाली दोस्तों के बारे में बताया, सीमा के रिश्तेदारों के बारे में बताया, उसके मियाँ के बारे में बताया, क्या उन लोगों ने बयान दिए, क्या कुछ होता रहा, किस तरह से इनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, मामला क्या है, मालिक मकान के बेटे का मैंने आपको पूरा बयान भी सुनाया, सब चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं उससे सीमा का किरदार जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, आपको समझ आएगी कि ये सीमा नामी कैरेक्टर है, ये चीज क्या है। सीमा जिसने दो जो मुल्क हैं उनको घुमा के रखा हुआ है इस वक्त, खासतौर पर भारत में तो इस वक्त जैसे कहना चाहिए ना कि एक भूंचाल आया हुआ है। उनका मीडिया जो है इस वक्त अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा खबर कवर की जा रही है वो है सीमा की खबर। इस वक्त भारत के अंदर मणिपुर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया है जो मैं समझती हूँ ऐसा वाकया है जो अभी तक इस सदी का मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा शर्मनाक वाक्य है। और मैं ये कहकर किसी मुल्क को नीचा करने की कोशिश नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा था कि मीनारे पाकिस्तान पर जो वाक्य पेश आया वो हम सबके लिए बायस शर्मिंदगी था आयशा नामी टिकटॉकर के साथ। लेकिन ये जो वाक्य है इसने तमाम रिकॉर्ड, सदी के रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं ये सब वाक्य इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि जब वहां पर बैठकर कहा जाता है जी पाकिस्तान में ये होता है, वो बैठकर बताती है कि काला काली होता है पाकिस्तान के अंदर और इस तरह से औरतों को मार दिया जाता है, वहां पर तो कोई कानून ही नहीं है और वो लोग शुरू हो जाते हैं कभी भी यहाँ पे कोई एक सानहा, चाहे वो मोटरवे वाकया हो, चाहे वो ये वाकया हो मीनारे पाकिस्तान वाला। तो फिर आप ये भी याद रखें, मैं हमेशा अपनी खबरों में कहती हूँ जो यहाँ पर होता है वो वहाँ पे भी होता है, इंटेंसिटी कभी यहाँ ज्यादा होती है कभी वहाँ ज्यादा होती है। और वहाँ पर इस वक्त जो वाकया मणिपुर का है मैं मुख्तसरन से आपको बताऊँ कि वहाँ पर दो खवातीन हैं, एक क्रिश्चियन बरादरी से गालबर उनका ताल्लुक है, दो कबीले हैं, दो कबीलों के दरमियान कोई मामला हुआ, उसमें कोई इस तरह की एक अफवाह फैली कि उनके कबीले की किसी औरत को के साथ ज्यादती की गई है, तो उसके बदले में इस कबीले की दो औरतों के साथ ये किया गया कि उनके कपड़े उतारकर बड़ी माजत के साथ उन्हें बरहना, हजार लोग थे पूरे उस कस्बे में, उनको घुमाया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, उनके साथ ज्यादती की गई। आप यकीन करें जब मैंने वो खबर सुनी और फिर जब उसकी वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद जब उसको पढ़ा इतना गुस्सा शदीद आया कि इंसान इस कदर जलील और कमीना है, इतना घटिया है कि जब वो अपनी हैवानियत पे आ जाता है तो उसका गुस्सा निकालने का अंदाज ये है। आपने अगर बदला लेना था आप उनको पकड़वाते, चलो मारते कुछ और, आपने उनकी औरतों के साथ, आप यकीन मानिए कि मैं सोच कर रूह कांप उठती है कि ये हमारा गंदा मुआशरा, ये हमारी नौजवान नस्ल है जो तैयार हो रही है, ये वहाँ पर ये कुछ हो रहा है, आपके मुल्क में ये हो रहा है, आप पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करते। मैं फिर भी दोबारा कहूँगी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ होता है वहाँ भी, लेकिन ये वाकया जो है इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वहाँ पर बैठकर अब आप लोग जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ ये होता है तो फिर आप याद रखिए कि वहाँ पर इस वक्त इतना बड़ा वाकया हुआ है कि इस वक्त सीमा सचिन के ऊपर तो बात होनी नहीं चाहिए, इस वक्त तो पूरा मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी बाजगश्त है और आप लोग अभी भी सीमा और सचिन कर रहे हो। ये जो सीमा है ये किस कदर होशियार है जरा सुनिएगा। सीमा जो है 3-4 दिन से अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ATS जो है इसे हर तरह के सवालात कर रहा है, घुमा फिरा के सवालात कर रहा है, सचिन से सवालात किए जा रहे हैं, सचिन के बाप से सवालात किए जा रहे हैं। और एक तरीकाकार होता है इन्वेस्टिगेशन का, एक बात एक तरीके से पूछी जाती है, फिर दूसरे तरीके से पूछी जाती है, फिर उसके पार्टनर से पूछी जाती है, फिर तीसरे बंदे से पूछी जाती है, फिर देखा जाता है कि इनमें से कौन सी बात में कहाँ ये गलत बात कर रहे हैं। और चूंकि पूरे भारत के अंदर इस वक्त सवाल हो रहे हैं क्योंकि हमारा तो कबूतर भी वहाँ चला जाए तो वो कहा जाता है कि जासूस है, तो इस वक्त कहा जा रहा है कि भारत की मेजोरिटी की तरफ से कि ये जो लड़की है ये जासूस है, इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए या इसको सजा दी जाए। लेकिन एक हिस्सा वो भी है जो हिंदू मजहब के नाम पर उसको एंटरटेन कर रहा है और कह रहा है कि नहीं भाई ये तो अब हमारी भाभी है और हमारा मजहब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है तो ये तो बड़ी काबिल इज्जत है। तो ये दो चीजें हो रही है। लेकिन सीमा ने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ उसके झूठ पे झूठ खुलना शुरू हो गया, उसने मीडिया के सामने फूट फूट के रोना भी शुरू किया। लेकिन इस फूट फूट के रोने से पहले सचिन ने उसके कान में क्या कहा, इसके अलावा सीमा जो है ये इस वक्त जिस तरह की झूठ बोल रही है, सबसे पहला झूठ तो बहुत सारे इसके खुले, 3 शादियां भी सामने आ गई, 2 मोहब्बतें भी सामने आ गई, कहती है मैंने सचिन से कहा कि तुमसे पहले भी मैंने तुम्हारी ही जैसी मोहब्बत एक और शख्स से की, फिर इसने कहा कि मेरी जबरदस्ती शादी हैदर से की गई जबकि बाद में पता लगता है कि एक कागज बाकायदा मौजूद है जिसे पता लगता है इसने कोर्ट मैरिज की, बाप से भाग कर इसने शादी की। अच्छा, उसके बाद यही सीमा नामी खातून जो है ये जो सचिन नामी शख्स के पीछे यहाँ पर भागी भागी आ गई, इसने मीडिया के सामने बहुत से झूठ बोले और जो झूठा शख्स होता है ना फिर वो अपना एतबार खो देता है। इसने कहा कि हम लोग नेपाल में यहाँ इस होटल में ठहरे, अब जब उस होटल का रिकॉर्ड चेक किया
गया, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन हो रही है भारत में, तो पता लगा कि इस नाम के तो कोई दो अफराद ठहरे ही नहीं। तो फिर इसने ये कहा कि जी हम तो वहाँ गए थे, उन्होंने तो हमारा नाम तक नोट नहीं किया। अब उन्होंने अपना रिकॉर्ड खोलकर बताया, उन्होंने कहा कि इस शक्ल के जो दो लोग आए थे उन्होंने एक और नाम से अपने आप को रजिस्टर कराया। अब आप मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये कहती है उन्होंने तो नाम पूछा ही नहीं, हमने तो नाम बताया ही नहीं, बड़े अच्छे लोग थे उन्होंने हमें होटल दे दिया। ये ऐसा कहाँ होता है? आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये किसको बेवकूफ़ बना रही है। अच्छा, उसके बाद ये तो चले झूठ तो इसके बहुत से खुलते चले गए, लेकिन अब इसने क्या किया कि जब इसको बहुत ज़्यादा, अब चूंकि एक बाकायदा डिसीजन ले लिया गया अंदर खाते जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं अभी तक और जो कुछ भी हमने अभी तक डिग आउट किया है उसके मुताबिक इसको डिपोर्ट करने का फैसला तो हो गया है। अब इसको डिपोर्ट पाकिस्तान किया जाएगा या इसको कहीं और कुछ डिपोर्ट किया जाता है, कोई हो सकता है इंसानी हमदर्दी के नाम पर कोई तंजीमें सामने आ जाएँ और इसको फैसिलिटेट कर दिया जाए, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली इसलिए नज़र आ रहा है कि हिंदू कौम के अंदर कुछ मेजॉरिटी इस तरह की है जो उसको उसके धर्म बदलने की वजह से, उसको यानी कि धर्म उनका अपनाने की वजह से, इनफैक्ट बदलने नहीं बल्कि अपनाने की वजह से उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सीमा जो है वो काबिल इज्जत है, वो उनकी बहू है, उनकी बेटी है, तो वो चाहते हैं कि उसको कम अज़ कम अगर डिपोर्ट ही करना है तो पाकिस्तान न डिपोर्ट किया जाए। तो चलिए ये बात भी समझ आती है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि सीमा को जब तीन दिन के बाद, तीन दिन तो इनको कह लीजिए कि अपने कब्जे में रखा गया, इनको अपने पास रखा, एटीएस ने बहुत से सवालात किए, डांटा भी, ये रोए धोए भी वहाँ पे, बड़ा कुछ हुआ, चीखें भी मारी इसने वहाँ पर, चीखें क्यों मारती रही ये भी सुनने में आया है कि इससे जब सवालात किए गए उसे कहा गया कि सीधी तरह से जवाब दो तो इसने रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा चले इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे हुआ जनाब ये कि अब जब इसको पता लग गया है कि इसको डिपोर्ट किया जा सकता है, ये घबरा तो गई, लेकिन घबराई कितनी कि आप ये देखिए कि जब इससे शुरू में सवालात किए गए, जब इसको तीन दिन के बाद एटीएस ने छोड़ा और ये अपने घर आई, तो मीडिया की एक बड़ी तादाद इसके घर पहुँचती है और वहाँ पर कैमरा वाले बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो वहीं पर पुलिस वाले भी मौजूद है, यानी कि अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसको छोड़ा सिर्फ इस हद तक गया है तो आप समझ लें कि इसके ही मकान में इसको कैद कर दिया गया है, यानी कि पुलिस इसके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। अब क्या होता है जनाब कि पुलिस जो है वहाँ पे मौजूद है और इसे सवालात किए जा रहे हैं, मीडिया वाले वहाँ बैठे हैं, कैमरा इसके मुंह पर है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब दे रही है और इसे पूछा जा रहा है कि जी आपके साथ क्या हुआ, इसने कहा बड़े सवाल जवाब किए, अब क्या होगा, इसने कहा मुझे नहीं पता क्या होगा, पूछा गया अगर पाकिस्तान भेज दिया तो क्या होगा, कहती मैं कुछ सोच ही नहीं सकती, उन्होंने कहा नहीं लेकिन फिर भी अगर भेज दिया, उसने कहा यानी कि मुझे अगर अपनी बहू को अपनी बेटी को अगर इन्होंने भेजा पाकिस्तान तो समझे मुझे मरने के लिए भेजा। अच्छा उसके बाद अभी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही है, मुस्कुरा भी रही है, उसके बाद एकदम सचिन ने इसके कान में कुछ हल्का सा बोला और उसके बाद इसने रोना धोना शुरू कर दिया। अब इसने रोना धोना क्यों शुरू किया, इसने रोना धोना उस हिंदू विंग को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए रोना धोना शुरू किया जो इसके रोने धोने को देखकर इस पर तरस खाएंगे कि मैंने तो आपके लिए अपना धर्म बदला, मैं तो आपके धर्म अपनाया, मैंने आपके लिए आपके मैंने धर्म को अपनाया, गले लगाया, मेरे बच्चों ने लगाया। तो ये कहती है कि मुझे अपनी तो नहीं परवाह, मेरी बेटियों की मुझे बड़ी परवाह है, मुझे अपनी बेटियों की बड़ी परवाह है, उसे मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, आप अगर मुझे वहाँ भेज रहे हैं तो सोच लें कि आप मुझे वहाँ मरने के लिए भेज रहे हैं, मैं तो अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ। तो ये बातें करके अच्छा अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही इसको अंदाज़ा हुआ कि मेरा ये अंदाज़ नहीं बिकेगा, ये मैं जो इतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हूँ, जो मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि उसको ये एक एश्योरेंस मिल रही है, शायद कुछ इस तरह की बातें हैं कि क्या पता कैनेडा, क्या पता ऑस्ट्रेलिया, क्या पता अमेरिका, कहीं ना कहीं इसको रिपोर्ट कर दिया जाए तो उसका तो कहना चाहिए कि इसकी लॉटरी निकल आएगी, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये तो भारत से भी ज़्यादा अच्छी जगह उसके लिए, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो रिपोर्ट होने में रिपोर्ट करने में बल्कि बहुत से भारतीय जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को सामने रखा जाएगा। जो मोदी सरकार है जो हिंदू आप कह लीजिए कि मज़हब के जो जज्बात है उनको बड़े अच्छे से समझती है और जानती है कि किस तरह से उसके साथ खेलना है, इलेक्शंस के लिए किस तरह से आगे आना है, तो वो ज़रूर इस चीज़ में उसका कोई ना कोई साथ ज़रूर देंगे। उसके अलावा ये कि उसको उसके शौहर ने अलबत्ता कहा है, हैदर का एक और ऑडियो सामने आया, मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें वो कह रहा है कि वापस आ जाओ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ज़रा सुनिएगा कि हैदर क्या कहता है। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो प्लीज़ आ जाओ, देख मैं तेरा शोर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा, प्लीज़ तुम मेरी बात मानो, जिद छोड़ो और घर आ जाओ, मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा, कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे, इसलिए सीमा प्लीज़ सोचो, इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा। देखो कितनी मिन्नतें कर रहा है हैदर, कह रहा है वापस आ जाओ,
मैं अभी तुम्हें अपनाऊंगा, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। एनीवे देखते क्या होता है, मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर बहुत से इंकशाफात हैं। सीमा ने अपनी उस दोस्त, सीमा ने अपने बाप, सीमा ने अपने ससुर और सीमा ने अपने कुछ और लोगों के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो क्या है, और कुछ लोगों ने सीमा के बारे में बातें बताई हैं और वाकई वो जेन्युइन लोग हैं। इससे पहले तो कुछ चीज़ें फेक भी थी, लेकिन अब कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, सचिन का एक बड़ा मशकूक किरदार जो है वो सामने आया, ये भी जानिएगा। अल्लाह हाफिज़।